नमस्कार दोस्तों मैं नेहा मेरे यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन विद नेहा में आप सभी का स्वागत है बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं परेशान हैं बच्चे उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम मतलब बोल सकते हैं जो सप्लीमेंट्री आए हुए हैं बच्चे तो उनका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा उससे रिलेटेड और जो ग्रेस मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं ई और प्रैक्टिकल के उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि 2014 से 17 तक के जो बच्चे हैं जो पहले के बहुत पहले के बच्चे हैं तो उनका अगर सप्लीमेंट्री है तो जो उनका सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम जैसे कि अभी सी का लेफ्ट ओवर कैंडिडेट का 30 मई तक का क्या हो रहा है एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसके बाद 2014 से 17 के जो बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम है सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम वो तीस मई के बाद कंडक्ट कराया जाएगा ठीक है तो जो भी बच्चे ऐसे हैं वो पेशेंस बना के रखें क्योंकि जल्द से जल्द आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और रही बात ईडी और प्रैक्टिकल के ग्रेस मार्क्स की बात तो ये तो पूरा डिपेंड जहाँ से आपका नोडल आईटीआई है वहाँ से ही करता है तो जैसे आपका आईडी और प्रैक्टिकल के ग्रेस मार्क्स का जो अपडेट है मतलब आपका अपडेट नहीं हुआ है okay. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ग्रेस मार्क्स क्या है अपडेट कर दिया गया है लेकिन चूँकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका अपडेट नहीं हुआ है तो उनका जो ड्राइंग है और प्रैक्टिकल का जो ग्रेस मार्क्स है वो आ, 31 मई तक अपडेट कर दिया जाएगा और जो भी बच्चे ऐसे हैं कि जिनके जो मार्कशीट में जीरो और वन इस तरीके का शो हो रहा है तो ये जो प्रॉब्लम है वो आपके आईटीआई से है या आपके नोडल जहाँ भी नोडल संस्था है वहाँ से है तो एक बार वहाँ आप विजिट करके आ, बता सकते हैं जीरो और वन जो भी रिजल्ट में दिख रहा है वो तो अगर आपका जो मार्क्स है वो चढ़ा नहीं होगा तब इस प्रकार का जो प्र... अगर आपका मार्क्स चढ़ा नहीं होगा पोर्टल पे मतलब ड्राइंग और प्रैक्टिकल का तब इस तरीके का जो प्रॉब्लम है वो शो करता है तो आप आईटीआई में भी अपने विजिट करके ये जानकारी दे सकते हैं ताकि जो भी नोडल आईटीआई है वहाँ जानकारी दिया जा सके और वो क्या कर सके पोर्टल में आपका जो नंबर है वो चढ़ा सके तो ये भी जो जो भी प्रॉब्लम है वो इकतीस मई तक सॉल्व कर दिया जाएगा इकतीस मई तक सब बच्चे के धीरे धीरे ग्रेस मार्क्स अपडेट कर दिए जाएंगे तो जिन जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका ग्रेस मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है तो पेशेंस बना के रखें इकतीस मई तक सारे बच्चों का ग्रेस मार्क्स अपडेट हो जाएगा और ऐसे बच्चे ऐसे बच्चे जो हैं जो ग्रेस मार्क्स के आ, बोलना चाहिए क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो वो उन बच्चों को सप्लीमेंट्री ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेस मार्क्स के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाएं क्योंकि उनका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने के बाद ही उनका जो रिज़ल्ट है वो फिर से आ, आएगा तो जो भी ग्रेस मार्क्स वाले बच्चे हैं जिनका क्राइटेरिया में हैं जैसे कि डी ने कहा है कि डीजीटी ने कहा है कि जो आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा प्रमोट कर दिया जाएगा तो बिल्कुल आपको प्रमोट किया जाएगा आप टेंशन ना लें वो इक्तीस मई तक सारे बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो अपडेट कर दिया जाएगा और जो भी बच्चे ऐसे हैं तो जहाँ तक ये है कि जो सारा जो चीज़ है ग्रेस मार्क्स अपडेट होने वाली भी बात वो भी पूरी तरीके से सही है आपको प्रमोट किया जाएगा ग्रेस मार्क्स दे के और जो भी ऐसे क्राइटेरिया में नहीं है तो वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएँ कि हमको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना है और सप्लीमेंट्री एग्जाम देके ही आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट होगा तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना है तो अभी से प्रिपेयर हो जाएं और एग्जाम की तैयारी में जुट जाएं क्योंकि जुलाई में आपका शायद जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा आ, आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कैंडिडेट को इस तरीके के प्रॉब्लम है उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करें क्योंकि जो आपका प्रमोट ग्रेस मार्क्स देने का जो बात है डी ने कहा है वो बिल्कुल सही अगर वो उन्होंने कहा है तो करेंगे ही थोड़ा सा बस पेशेंस बना के आपको रखने की ज़रूरत है अगर मेरे चैनल पर जो भी यूज़र नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू गाइस